सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पति कैसा भी हो, उनका सेवा करना पत्नी का धर्म है। लेकिन केवल एक पक्ष से ही सही हो तो वो रिश्ता टूट जाता है। आजकल कई ज्यादा आप सुनते होंगे, शादी हुआ चला नहीं, दो साल में खत्म रिश्ता, तीन साल में डिवोर्स हो गया, बहुत ज्यादा केस सुनने को मिल रहा है। यहां गलती किसकी है? गलती किसी एक की नहीं होती, कहीं पर पति का गलती रहता है और कहीं पर पत्नी का गलती। जिंदगी को सही तरीके से सुधारने के लिए, अच्छा जीवन को जीने के लिए एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि ताली केवल दो हाथ से बजती, एक से नहीं बजती। एक अपने धर्म का पालन करे, निष्ठा करे, और एक जो मन करे करे, तो ये जीवन सही तरीके से चल नहीं सकता। इसलिए जीवन की गाड़ी को दोनों ही मिलकर के समझदारी से खींचना चाहिए, समझदारी से जिंदगी जीना चाहिए। भक्ति के साथ में भगवान से जुड़ा हुआ जीवन हो तो जिंदगी बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी व्रता धर्म भी आप कर सकते हैं, इस धर्म का पालन भी आप निष्ठा से करें, क्योंकि वो अपने घर को छोड़ करके सब कुछ आप ही को मान करके आए, अपने पिता को, माता को, अपने परिवार को त्याग करके, छोड़ करके। ये बात अलग है कि कभी कभी जाती हैं, मायके जाती हैं, लेकिन उधर से रिश्ता एकदम से चेंज हो गया, जहां कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, विवाह हो गया, रिश्ता नए लोगों के साथ में जुड़ गया। लेकिन वहां जिस प्रकार से एक स्त्री एडजस्ट कर लेती है, दूसरे परिवार को अपना बना लेती है, उसी प्रकार उस स्त्री के लिए भी आपको बहुत ज्यादा सम्मान प्रेम करना जरूरी है। शादी के बाद हर लड़की का जीवन बदल जाता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक पिता अपनी बच्ची को फूल के समान पालता है, पढ़ाता है, बढ़ाता है, सब कुछ करता है, लेकिन विवाह के बाद वही जो स्त्री फूल के समान पली बड़ी हो, ससुराल में जाकर के सभी के लिए सेवा करती, भोजन बनाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके साथ में जैसा आपका घर है स्वीकार करती है। हमें भी चाहिए कि जो अपने घर को छोड़ करके आई, उसको अच्छा परिवार मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे सास ससुर माँ बाप के रूप में मिले। ये कोशिश सभी को करना चाहिए, नहीं तो सास बहू में बहुत ज्यादा झगड़ा ही होता रहता। देखिए, झगड़े के कारण है, सास भी अपने बहू को बेटी माने तो झगड़ा हो ही नहीं सकता, और बहू भी अपनी सास को मां की समान माने तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। बस थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा। हमारी बेटी ऐसी थी, हमारी बेटी ऐसी वैसी, सास कहती वो भी किसी और की बेटी, अपने माता पिता को छोड़ के आई तो उसे अपनी बेटी मानो, और बहू भी मां को छोड़ के आई तो दूसरी मां, ये मान लो, तो झगड़ा खत्म। आपके जीवन में बहुत अच्छा, बहुत परिवार, बहुत सुंदर परिवार आपको मिलेगा। ऐसा करोगे तो दोनों पक्ष से खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। प्यार से बोलो।